रही है। सुजीत जी हमारे बहुत अच्छे भजन गायक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके जरिए भजन फिर शुरुआत हो रही है। लेकिन आप लोग क्योंकि यहाँ पर अभी महाराज की भी व्यवस्था की गई है, आप इतना अच्छा अच्छा कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, और ये जब फूलों की होली हो तब क्या कान्हा को दर्शन होता है, जब उस समय विग्रह रूप में जब तुलसी मैया का विवाह होता है तब क्या बारात की अलौकिक लीला होती है। और तो और आज कृष्ण जन्माष्टमी में झांकी देखिएगा तो नजरें पूरी ऊपर नहीं उठेंगी, ऐसे प्रभु की झांकी है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं कान्हा से आशीर्वाद आप लोग के लिए मांगती हूँ, आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें, और आप सभी के राह के कांटे भी फूल बन जाएं, कंकड़ पत्थर भी मखमल बन जाएं, ऐसे प्रभु के आशीष के साथ मैं बार बार कान्हा सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करती हूँ। अनुपम जी हमसे छोटे हैं, छोटे भाई हैं, मैं इन्हें भी आशीष देती हूँ कि आप इसी तरह अच्छे कार्य करते रहें, सबको जोड़ते रहें, और कान्हा सेवा संस्थान एक दिन लोगों के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए मील का सब पत्थर साबित होगा, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना के साथ बहुत बहुत जरूरी है कि उनका यहाँ पर स्वागत है। अतिथि देव भव ये सत्य है, प्रभु भी हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष अतिथि, बस ये समझिए कि हमारे कान्हा सेवा संस्थान से पुरजोर तरीके से जुड़े हुए हैं और सदैव उनका सहयोग कान्हा सेवा संस्थान महामंडलेश्वर जी को अर्पित करते हुए प्रभु को प्रभु के चरणों में अपना भक्ति डाल के एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई आपकी तरफ से।